सर के इलेक्ट्रिक, तो मुझे खुशी हुई कल हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक बात कही कि अगर जो तहकीकात की जा रही है कि कराची में जो हलाकतें हुई हैं गुज़िश्ता तीन दिनों में, उनमें किसी शख्स की मौत इस बुनियाद पर हुई होगी कि वहां लोड शेडिंग थी, तो के इलेक्ट्रिक के अफसरान के खिलाफ FIR करेंगे। ये मैं समझता हूं कि ये होना चाहिए। लेकिन मैंने पहले भी एक बात कही थी कि के इलेक्ट्रिक का ये हक है कि वो अपने बिजली के बिल वसूल करें। जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बिजली का बिल अदा करें। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन के इलेक्ट्रिक का यह हक बिल्कुल भी नहीं है कि इस कयामत खेज गर्मी में जब लोग पंखे के अंदर भी नहीं बैठ सकते हो, वो 12-12, 14-14 घंटे के लिए बिजली बंद कर दें। इसका मतलब यह है कि आप उन आबादियों में रहने वाले बूढ़ों को, उन आबादियों में रहने वाले बच्चों को, उन आबादियों में रहने वाले बीमारों को आप मौत के मुंह के अंदर धकेल रहे हैं। यह इजाजत मैं समझता हूं किसी इदारे को नहीं होनी चाहिए। वो इदारा खसारे में चलता है, मेरी कोई इसमें वो नहीं जाए खसारे में, लेकिन खसारे की बुनियाद पर लोगों की जानों से खेलने की इजाजत जो है वो किसी को नहीं होनी चाहिए और इनको पूछा जाना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात अगर तहकीकात में सामने आती है कि ये जिम्मेदार हैं तो इनको हमें सख्ती से जेलने की जरूरत है।